रहे, मैंने अर्ज किया आपको, अब जनरल साहब उससे बात करेंगे। ये एक बहुत ही गलत तसर है जो कि दिया जा रहा है बलूचिस्तान के तरक्की से मुतालिक। मैं लॉजिकली अभी आपके सामने इसको साबित करूंगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सही तौर पर कवर करें। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे बलूचिस्तान के इस वक्त 20 मेंबर है कौमी असेंबली में, मेहरबानी करके बलोच बैठा हुआ है मुझे बता दीजिएगा कि 20 मेंबरों में सरदार कितने हैं? दो इसके बाद, इससे पहले 2013 में कौमी असेंबली थी कितने सरदार, 2008 में हमारी कौमी असेंबली थी कितने सरदार थे, इसी तरह से सूबाई असेंबली को भी ले लें, 65 की वहाँ पर टोटल रफी है, 65 मेंबरों में से कितने सरदार हैं? जहाँ तक कौमी असेंबली का ताल्लुक है, दो मरतबा मैं मेंबर रहा हूँ, 2 से 3 सरदार भी नाम के, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा आपका टाइम लेने के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसी तरह से सूबाई लेवल पर भी नाम के सरदार हैं, कुछ 3-4 रहे हैं, लेकिन 65 के मुकाबले में ज़्यादा हैवी होना चाहिए, 58-7 के मुकाबले में ज़्यादा हैवी होना चाहिए, 20-3 के मुकाबले में, 2 के मुकाबले में ज़्यादा हैवी होना चाहिए, पहली बात तो ये टोटली गलत बात है। दूसरी बात, ये जो इस्लामाबाद से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये बात बताई जाती है, वो ये है कि 3 सरदारों के नाम लिए जाते हैं हमारे सरदारी निज़ाम में, ये मेरे सरदार हैं, इनका इलाका जहरी है, अगर ट्राइबल पोजीशन है इनकी तो जहरी कौम से बाहर नहीं होना चाहिए इनको, लेकिन ये पूरे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं, सूबे के वजीर आला रहे हैं, 22 मेंबर की डायरेक्ट इनको सपोर्ट थी अपनी पार्टी की जिस वक्त इन्होंने हुकूमत की, इसके अलावा 7-8 और मिलकर इन्होंने हुकूमत बनाई 32-33 करके, तो ये सरदारी की वजह से ये चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, इनके सरदारी की वजह से इतने अपने हलके में 2 से 3 मेंबर सूबाई के, ज़्यादा एक या 2 कौमी असम्बली के निकाल सकेंगे, लेकिन उन लोगों की बात की जाती है उसमें कोई शक नहीं है, मैं उनकी मुखालफत नहीं करूँगा, उनमें उनकी उनका इन्फ्लुएंस है, अमन व आमा में उनका ताल्लुक है, उनका है, इसलिए कि वो एक सियासी कमीज पहनते हैं, सियासी कमीज पहनने की वजह से हर कबीले में, हर कौमियत में, हर इलाके में थोड़ी बहुत उनकी फॉलोइंग है, अच्छा है बुरा, कोई बड़ी फॉलोइंग आज तक उनकी सामने नहीं आई है, 65 की फिगर में कभी भी वो 10 तक नहीं पहुँचे हैं कोई भी उनमें से, मिलकर किसी पार्टी का मुझे बता दे बैठे हुए यहाँ पर, ऐसी बात कोई नहीं है, और उनको भी अगर देखा जाए ईमानदारी से देखा जाए तो उनके भी ऐसी बात नहीं है कि जहाँ से या डेरा बुगटी है फॉर दैट मैटर, या कोलू है, या वड है, खुजदार तो इनका है, वहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल वो जंगल बन गया, फलान हो गया, वहाँ कुछ नहीं, नहीं वहाँ पर भी इतने स्कूल है, इतने हॉस्पिटल इतने किसी और जगह में है, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये बिल्कुल एक गलत तसर दिया जा रहा है अपने, ये इस्लामाबाद का एक क्लिक है ब्यूरोक्रेट्स का, और ये 65 साल 75 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, भाई आए खारा में कोई सरदार नहीं है, बकरा में कोई सरदार नहीं है, चाही में कोई सरदार नहीं है, नौशकी में कोई सरदार नहीं है, नसीराबाद में कोई सरदार नहीं है, पश्तून एरिया में कोई सरदार नहीं है, किधर गए इनकी तरक्की, सराउल्ला खान नवाब सराउल्ला खान अगर तरक्की को रोकता है तो जहरी में रोकता है, डेरा बुगटी एक जिला है, डेरा बुगटी एक जिला है, उसका डेरा बुगटी है,